हेलो ऑल, मैं निकुम सर आपका स्वागत करता हूँ अपना कमेंट चैनल पे। आप सेंट्रल स्टेट हर को जाओगे अपना। तो समीर की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च रिक्रूटमेंट 2020। तो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है इसी के लिए, ठीक है। उनके लिए वैसे भी अपना ये रहता है, कम अपॉर्चुनिटी रहता है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, ओके, विद 23 वैकेंसीज। और देखिए, बी बी टेक एम ई एम टेक आपका है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन चाहिए आपका इंजीनियरिंग या बी एम ई एम टेक, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और यस, बड़ी बात है कि फाइनल ईयर एलिजिबल है, तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो लेवल 10 जॉब है, ग्रुप बी का पोस्ट है, और पे आपका होगा 56,100, ओके। तो इसके बारे में सभी जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो आखिर तक बने रहिए, तो हम सभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, फॉर्म चालू हो गया आपका 3 अप्रैल से, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर्म का है 30 अप्रैल, तो आप अभी भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। एग्जाम डेट आपका रहेगा 15 जून, तो एग्जाम डेट फिक्स है 15 जून, सॉरी 15 जून का आपका एग्जाम हो रहेगा, ठीक है। तो वैसे आपको फिर अपना प्लान आएगा, ऑब्वियसली अपना प्लान आएगा ही, तो उसमें मैं सब आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी का, तो कैसे अपने को करना है, ठीक है। तो ये एक है। नेक्स्ट थिंग, वैकेंसीज के बारे में जान देखते हैं। एक्चुअल में देखिए, अभी आपको क्या करना है, इधर दो पोस्ट है, राइट। एक साइंटिस्ट भी एमआरएफ का है, जो माइक्रोवेव का पोस्ट है, एंड आरएफ का पोस्ट है, उसके लिए 6 वैकेंसीज है, ठीक है। ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1 और यूआर 3। जो साइंटिस्ट बी का है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसमें आपको 17 वैकेंसी टोटल, राइट। एससी 3 है उसमें, एसटी 2 है, ओबीसी 6 है, ईडब्ल्यूएस 2 है और यूआर 4 है, राइट। फर्स्ट केस में आपका एससी नहीं है, खाली ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर है। अभी आप दोनों पोस्ट का भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सेपरेट फी रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो दोनों पोस्ट का आप भर सकते हो, तो इधर का एक भरो, इधर का एक भरो, लाइकवाइज आप भर सकते हो, ठीक है। और एस सी एस टी कैंडिडेट आप क्या करो, आपका इधर का आपको यूआर का भर सकते हो या ओबीसी का, यूआर का ही भर सकते हो, राइट। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, अभी फी देखते हैं हम। ओपन ओबीसी और ईडब्ल्यू के लिए 400 रुपीज है, और वुमेन एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी के लिए 200 रुपीज है, राइट। आपका प्रोसेस देखिए, बहुत अच्छा प्रोसेस है इसका, मतलब थोड़ा अलग प्रोसेस है। अभी जो जिन्होंने एकेडमिक मार्क्स को बहुत अच्छे वेटेज दिया है, 35 मार्क्स, तो आपका आउट ऑफ 100, ओके, टोटल सिलेक्शन में आपका आउट ऑफ 100 वो आपको ये करेंगे, जज करेंगे, तो उसमें से 35 मार्क्स आपका खाली एकेडमिक मार्क्स है, मतलब आपका एग्रीगेट कितना है, ठीक है। तो वो एग्रीगेट को वो मतलब 35 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। बाद में आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑब्वियसली उसका 35 लेने वाले हैं, और इंटरव्यू का 30 लेने वाले हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। तो जिनका एकेडमिक मार्क्स ज्यादा है वो उनका एडवांटेज है थोड़ा इधर, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें 35 में से ज्यादा मिलेगा, और बाद में उनको सिर्फ रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी ये करना है, ठीक है। जिनका लो है एकेडमिक मार्क्स, उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम जो है आपका इंग्लिश में होने वाला है, और ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ठीक है, ओके। एग्जाम सेंटर्स देखते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड गुवाहाटी, ये आपके 5 सेंटर है, ओके, समीर के। और आपका जॉब लोकेशन है वो मुंबई रहने वाला है, क्योंकि हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है, तो मुंबई आपका जॉब लोकेशन है, राइट, ओके। नाउ सी, बहुत इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स है, तो बहुत बड़ा ये है, ठीक है, एज लिमिट है। ओबीसी भी 38 है, एससी एसटी भी 40 ईयर्स है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपका एज लिमिट है, आपको कैलकुलेट करना है ये डेट के बेस पे, ठीक है। तो कोई भी गूगल पे जाके आप कैलकुलेटर ले सकते हो, उसमें डाल सकते हो, और 34 तक अगर आपका एज 35 आता है तो ठीक है, ठीक है। अगर 30 अप्रैल के तक आपका एज अगर 36 आया, देन यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। और फाइनल ईयर का भी ठीक है, फाइनल का कोई इश्यू नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। नाउ सी, एग्जाम पैटर्न जो रहेगा आपका, प्री एक ही एग्जाम होने वाला है इसमें, ठीक है। तो लैंग्वेज उसका मैंने आपको बताया, इंग्लिश रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग एज पर गेट, ओके, गेट जो एग्जाम रहता है आपका, तो एज पर गेट ही आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, दैट इज 2 मार्क्स के लिए आपका रहेगा 1.33 एंड 1 मार्क्स के लिए आपका रहेगा 0.33, राइट, ऐसा कुछ। सो टाइम जो है आपका 3 आवर्स है, ओके। और पैटर्न सेम गेट का है, दैट इज क्वेश्चन 65 मार्क्स 100, सेम गेट का, और इसी का सिलेबस है, राइट। तो इसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटजी में, कैसा आपका प्लान होना चाहिए, कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बना के दूंगा स्ट्रेटजी वीडियो में, ठीक है, जिधर आप डिस्कशन कर सकते हो, और डाउट अपना जो रिक्रूटमेंट का डाउट हो गया आपके, वो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो तभी मैं बताऊंगा, तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कंपलसरी, और बेल आइकन जो है वो ऑन करना है, ठीक है, नहीं तो वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सेकेंड, आपको मैं नॉन टेक मतलब अपना जो एप्टीट्यूड है उसके लिए मैं ये दूंगा, ठीक है, बुक्स दूंगा, वो इतना ही आपको इनफ है, और ऑब्वियसली आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है तो आप वही यूज कर सकते हो, ठीक है।
और ये गाइडेंस रहेगा आपको टिल सिलेक्शन। ओके, तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा इसके लिए, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेटेजी वीडियो तक आप वेट कीजिए, और तब तक अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम शेयर कीजिए ये सभी इसी को, क्योंकि इसी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ इसी के लिए वैकेंसी आया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज गुड थिंग। सो ओके देन, ऑल द बेस्ट।